राजधानी देहरादून के जहां पर राजभवन में प्लास्टिक से जंग सेमिनार का आयोजन किया गया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने मुख्य अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को प्लास्टिक वेस्ट को लेकर जागरूक करना है। राज्यपाल ने कहा कि प्लास्टिक टन को खत्म करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। वेस्ट प्लास्टिक को खत्म करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। 2021 में सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरीके से बैन किया गया है। हमको सब प्लास्टिक मुक्त को लेकर जंग अंग में उतर चुके हैं। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। तो लग रहा था जैसे हम जंग के मैदान में खड़े हैं। हम सब ने इकट्ठा बैठकर मंथन किया, चिंतन किया। हमने बहुत ही विकल्प के बारे में भी बातचीत की कि किस प्रकार प्लास्टिक का जो चैलेंज है इसके इसके अगेंस्ट में एक जंग की जाए। लेकिन जिस प्रकार हर एक लड़ाई में होता है कि ये पहचानना जरूरी है कि आपका चैलेंज क्या है, उसका समाधान क्या है, उसको किस तरीके पर किया जाए। हमने पूरे दुनिया में जितने भी तरीके अपनाए गए हैं प्लास्टिक के अगेंस्ट में, जो जंग के किस प्रकार प्लास्टिक का जो प्रदूषण के ऊपर में इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि जो असर है प्लास्टिक का उसने हमारे नदियों को, पर्वतों को, हमारे अर्बन लिविंग को, हमारे सैनिटेशन सिस्टम को, हमारे हर एक सीवरेज वगैरह को जो जिस प्रकार से हानि और नष्ट किया है। और हम ये भी देखते हैं कि किस प्रकार इसने हवा को, जलवायु को, क्लाइमेट को, ओशन के पानी को, हमारे पशु को, हमारे फिशेस को किस प्रकार से बर्बाद कर रहे हैं। तो इसका समाधान क्या है, आज बहुत ही सुंदर तरीके से, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इसके बारे में बातचीत हुई। और सबसे बड़ा तो जो हमने संकल्प लिया है कि हम सबको इकट्ठा होकर इस लड़ाई में कूदना पड़ेगा।